बर्नौलीज के एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन। पहली बात तो एरोप्लेन का ये टेस्ट मॉडल ये क्या चीज है, आगे क्या लिखा हुआ है, विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर एंड। एरोप्लेन की जो टेस्टिंग होती है ना वो ऐसी नहीं होती कि पहले एरोप्लेन बनाएंगे, उसको उड़ाएंगे, गिर गया तो कोई बात नहीं दोबारा नया बना लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पहले मॉडल बनेगा, मॉडल में क्या करते हैं, मॉडल बनाया, मॉडल को उड़ाते भी नहीं है, धागे से टांग दिया और उसके आगे एक टनल लगा दी जिसमें बहुत तेज पंखा लगा हुआ है, पंखा बहुत तेज हवा मारेगा तो एरोप्लेन को टांग रखा है तो ऐसा फील होगा कि एरोप्लेन उड़ रहा है। देखो एक ही चीज़ है ना, बात तो एक ही है, एरोप्लेन उड़े हवा क्रॉस कर रही है, एरोप्लेन ना उड़े हवा पंखे से क्रॉस करवा दी, तो पंखे से बहुत तेज हवा इसके ऊपर मारी जाती है जिससे कि वो प्लेन का प्रेशर डिफरेंस ऊपर नीचे डेवलप होता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है। तो टेस्ट में ऐसे देखा जाता है। तो टेस्ट के ऊपर किया गया जिसमें अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स पे स्पीड रखी गई 70 एंड 63, तो ऊपर 70 नीचे 63 ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अब व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट का मतलब होता है फोर्स, फोर्स एरोप्लेन के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, लिफ्ट ऑन द विंग क्या होगा, अगर एरिया विंग का 2.5 मीटर स्क्वायर है और डेंसिटी एयर की 1.3 है, लिफ्ट का मतलब प्लेन विंग के ऊपर फोर्स क्या लगेगी। देखो एरोप्लेन के ऊपर प्रेशर डिफरेंस लगेगा P2 - P1, उस प्रेशर डिफरेंस से एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया क्या कहलाएगा, लिफ्ट या फोर्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर का डिफरेंस, ताकि एरिया से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर सकें, फोर्स। तो इसमें ऐसे होगा, बर्नौलीज थ्योरम लगेगी एरोप्लेन के ऊपर नीचे। जब आप बर्नौलीज लगाएंगे 99.99% क्वेश्चन, मैंने तो हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन देखा होगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर किया जाए, नहीं किया जाता, क्योंकि वेलोसिटी और प्रेशर की वैल्यूज इतनी बड़ी छोटी होती हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नेग्लिजिबल रहता है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो जीएच वाली टर्म को तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही कर दिया करो। तो क्या बचा, ये चार टर्म बच गई। आपको क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो P1 - P2 / rho या से V2² / 2 - V1² / 2। V2 V1 की वैल्यू आपको पता है, आपको डेंसिटी पता है 1.3, सॉल्व करके क्या आ गया, P1 - P2 की वैल्यू आ गई। तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर डिफरेंस से विंग के ऊपर फोर्स लगेगी, उसको लिफ्ट बोलते हैं। तो अगर तो एक विंग पे फोर्स निकालनी है तो प्रेशर डिफरेंस को एक विंग के एरिया से मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ गई। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में विंग्स गिवन है, पूरे एरोप्लेन पे गिवन है, तो विंग्स में दो विंग्स हैं, तो फिर एरिया 2.5 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2। एक विंग का एरिया 2.5 है, दूसरे का 2.5 इंटू 2, तो प्रेशर डिफरेंस इंटू क्या करेंगे, एरिया ले लेंगे, वहां से फोर्स की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विद अ क्लोज वाटर पाइप इज गिवन। एक ना पाइप है, उसके ऊपर ना एक वेल्व लगा हुआ है, बंद है वेल्व, तो पानी नहीं चलेगा ट्यूब में, पानी पाइप में नहीं चलेगा। तो प्रेशर कितना था, इतना था, तो P1 गिवन है। लेकिन जब प्रेशर फुल रखा हुआ था आपने, उसको जो पानी उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा था वेल्व के ऊपर, तो वो चल तो पानी रहा था,
तो वी वन की वैल्यू क्या थी, जीरो। फिर आपने उसका वेल खोल दिया तो पानी ने बहना शुरू कर दिया, बहेगा तो कुछ वेलोसिटी भी आएगी पानी की। तो वो कह रहे हैं कि ऑन ओपनिंग द वेल द प्रेशर रिड्यूस्ड, तो प्रेशर गिर गया वेल्व के ऊपर, प्रेशर गिरा तो पानी क्योंकि निकल गया थोड़ा सा, तो पानी निकला विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू। तो आपको बताना है कि पानी कितनी वेलोसिटी से निकला, ठीक है। तो जब पानी नहीं चल रहा था तो प्रेशर इतना था, चल रहा है तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो कुछ नहीं कर सकते, दो ही क्वेश्चन आती हैं, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो तब लगती है जब वेलोसिटी और एरिया का कॉन्सेप्ट हो, या बर्नौलीस। तो बर्नौलीस थ्योरम लगाई, पोटेंशियल एनर्जी को तो आप सीधा काट ही दिया करो, लेनी नहीं है हमने। तो आपको पी वन पता है, आपको डेंसिटी वाटर की पता है एस आई में 1000 है, आपको वेलोसिटी वी वन पता है इसमें जीरो है क्योंकि पहले पानी चल नहीं रहा था, फिर प्रेशर गिर गया 3×10^5, पानी की डेंसिटी तो 1000 ही है और वेलोसिटी वी टू है, सॉल्व करके वी टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो प्रेशर और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बर्नौलीस थ्योरम से ही सॉल्व किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो जब वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, जब प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, तो वी टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को देखें, ट्राई कर लें, छत के नीचे छत के ऊपर क्या लगाएंगे, बर्नौलीस थ्योरम। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया फोर्स है, छत के ऊपर फोर्स निकालनी है, इसमें निकालना है एरोडायनामिक लिफ्ट। एरोडायनामिक मतलब हवा का, हवा की वजह से फोर्स को एरोडायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। तो एरोडायनामिक लिफ्ट निकालनी है, फोर्स निकालनी है, तो आप छत के ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस निकालें, उसको छत के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। तो निकालें प्रेशर डिफरेंस, लगाएं बर्नौलीस थ्योरम, हाइट को छोड़ देना, हाइट हमने नहीं चाहिए। क्या करेंगे, एयर की डेंसिटी गिवन है, एयर हॉरिजॉन्टली जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 108 km/h और हैज अ प्लेन रूफ, रूफ प्लेन है, एरिया क्या है रूफ का 40 m². तो एरोडायनामिक लिफ्ट निकालना है रूफ के ऊपर, तो रूफ के नीचे कमरे के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी एयर की, जीरो।
ऊपर वेलोसिटी हमें पता है कितनी, 108 किलोमीटर पर आर का मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी हमें पता है तो हम बर्नौलीज लगाएंगे ऊपर नीचे, जीएच को तो वैसे ही कैंसिल कर देना है, इसकी तो रिक्वायरमेंट रहती नहीं हमें इसमें। तो प्रेशर P1 है और डेंसिटी क्या है इसमें, 1.3 है एयर की। रूम के नीचे, रूम के अंदर मतलब छत के नीचे वेलोसिटी क्या है, 0 है। छत के ऊपर प्रेशर P2 है, वेलोसिटी एयर की क्या है, 30 है। सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, P1 - P2। तो प्रेशर डिफरेंस को छत के एरिया से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स आ जाएगी, इतनी फोर्स से छत उड़ जाएगी। इसको एरोडायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे क्वेश्चन करना है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। हॉरिजॉन्टल पाइप इज रनिंग फुल ऑफ वाटर, पानी से पाइप पे पानी जा रहा है। एट अ सर्टन पॉइंट ए इट टेपर फ्रॉम डायमीटर 60 सेंटीमीटर टू डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कम होता गया, 60 से कितना हो गया, 20 हो गया। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ए और बी का प्रेशर नहीं दे रहा, ए और बी का प्रेशर का डिफरेंस दे रहा है, यानी कि P1 - P2 दे रहा है 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो HRO g लगा के हम यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी पाइप, तो पाइप में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है क्या होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, दो ही चीजें आपको आती है पाइप में, एक जिसमें एरिया वेलोसिटी गिवन हो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और दूसरी बर्नौलीज थ्योरम। आपको इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो रेडियस R1 R2 गिवन है, आपको वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता, आपको यही निकालनी है। रादर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड में, यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, A1 × V1। यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, A2 × V2। तो A1 × V1, A2 × V2। तो A1 V1 = A2 V2, पर आपको तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है। तो चाहे तो आप A1 V1 निकाल दो, चाहे आप A2 V2 निकाल दो, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो आप A1 V1 या A2 V2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, V1 एंड V2। तो अगर आपके पास V1 V2 की वैल्यू पता हो, आप A1 V1 से आंसर निकाल लेना। तो बेसिकली तो आपको क्या निकालनी है, लीक्विड की वेलोसिटीज, दो चीजें आती हैं आपको। पहली रेडियस की वैल्यू हमें पता है डायमीटर बाय 2, तो एरिया की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा यहां से। तो A1 V1 A2 V2, एरिया A1 A2 पता है, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा V1 एंड V2 का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, A1 V1 A2 V2 से V1 V2 का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस P1 P2 का डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। HRO g का फॉर्मूला लगाते हैं, 100 × डेंसिटी ऑफ वाटर × g। सब कुछ CGS में करना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और g की वैल्यू 980। तो क्या आ गया, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई इसमें। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करो, बर्नौलीज थ्योरम लगा लो। बर्नौलीज थ्योरम 1 और 2 पॉइंट पे जब लगेगी तो H को तो लेना ही नहीं है, छोड़ दें इसे। P1 - P2 एक तरफ, V2 V1 एक तरफ। P1 - P2 क्वेश्चन में गिवन है, HRO g से निकाल लिया। डेंसिटी लिक्विड की CGS में 1 है, तो यहां से सॉल्व करके V2 square - V1 square की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपको V2 की वैल्यू क्या गिवन है, 9 V1। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, V1 की। तो फिर आप फाइनली A1 V1 को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू आएगी।
मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? दो ही चीजें हैं, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या फिर बर्नौलीज थ्योरम है।